हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनके साइंस क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम जो क्लास लेकर आए हैं वो है प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन जो है, इसका वर्क होता है कि बॉडी को एनर्जी देना, एक प्रकार से बॉडी को बिल्डअप करना। एनर्जी नहीं कह सकते हम, बॉडी को क्या करना, बिल्ड करना, निर्माण करना। तो क्या होता है, इसके जो खोजकर्ता हुए वो होते हैं बर्जेलियस एंड मुल्डर। बर्जेलियस और मुल्डर दोनों इनके खोजकर्ता हुए हैं प्रोटीन के। दूसरी बात हम करते हैं कि प्रोटीन जो होता है, बताया जाता है कि लगभग मनुष्य के बॉडी जो होती है उसका 15% जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। 15% भाग जो होता है मनुष्य के बॉडी का, 15% भाग जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि इस प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से। दूसरी बात जो क्या होता है, होल्डिंग फर्स्ट रैंक, इस प्रोटीन को कहा जाता है होल्डिंग फर्स्ट रैंक। मतलब कि एक पहला ऐसी चीज या न्यूट्रिएंट्स है जिसको पहला न्यूट्रिएंट्स के रूप में हम कह सकते हैं कि जो आपका पोषक तत्व है उसको कहा जाता है कि प्रोटीन को, ठीक है जी, होल्डिंग फर्स्ट रैंक। दूसरी बात हम करते हैं कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई हम संरचनात्मक इकाई बोल सकते हैं, या मूलभूत जो इकाई होती है, जैसे हमारी शरीर होता है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जैसे होती है, हमारी स्ट्रेंथ होती है, उसी प्रकार से इस प्रोटीन की सबसे छोटी जो इकाई होती है, उस जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन होती है वो होती है अमीनो एसिड, मींस टू से अमीनो अम्ल। क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन होता है किस किस चीज का बिल्ड करना होता है, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, मींस टू से पांच ऐसी पोषक तत्व जो होते हैं कंपाउंड से, क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन पांच चीजों से आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें कह सकते हैं कि कार्बन जो होता है सबसे ज्यादा 50 से 54% होता है, और ऑक्सीजन जो होता है 21 से 24%, और नाइट्रोजन जो होता है 13 से 17% होता है। इनकी मात्रा जो होती है थोड़ी कम होती है सल्फर वगैरह की, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अमीनो एसिड जो सबसे छोटी इकाई होती है प्रोटीन की, तो अमीनो एसिड के 50 मॉलिक्यूल्स मिलकर के 50 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। किसका? एक प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका, अमीनो एसिड के 50 मॉलिक्यूल्स जो मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल्स बनता है प्रोटीन का। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो कहां से मिलता है, उसका मुख्य स्रोत क्या होता है। तो प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत होता है सोयाबीन, मींस टू से सोयाबीन कह सकते हैं, जिसमें 70% होता है, और दूसरा होता है चना। क्या होता है? चना, सोयाबीन और चने से 70%। और हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले भारत के अंदर जो सोयाबीन और चना सबसे ज्यादा कहां मिलता है, तो वो मिलता है एमपी में। बोलते हैं ना एमपी का चना और सोयाबीन सबसे ज्यादा एमपी मिलता है। दालों से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, मछली से मिलेगा, पनीर से मिलेगा, मटन से मिलेगा, चिकन से मिलेगा। मटन और चिकन में फर्क होता है, ये मुर्गे का होता है, मटन जो होता है बकरे वगैरह का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कहते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जो सभी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है जी। सभी एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स और जो हार्मोन्स होते हैं, इनका वर्क होता है बॉडी में, क्योंकि जो आपकी ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती हैं, ये दो चीज के सीक्रेट करती है अपने में से, एंजाइम्स प्लस हार्मोन्स। जब आपका ग्लैंड्स का टॉपिक होगा उसमें एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड जो मिलते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्रोटीन को एक बोला जाता है पॉलीसेकेराइड। क्या बोला जाता है जी? पॉलीसेकेराइड बोला जाता है, पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है? एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। तो क्या होता है, जब मोनोसेकेराइड होता है इसमें खुद के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स होता है, डाई में दो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं किसके, मोनोसेकेराइड के। और जब मोनोसेकेराइड दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो डाइसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड कैसे बनेगा, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जब दोनों मिल जाते हैं आपका बनता है पॉलीसेकेराइड। इसका मतलब जो सबसे इसका जो कठिन रूप है जो है प्रोटीन, और अमीनो एसिड को हम बोल सकते हैं क्या, अमीनो जो एसिड होता है इसको हम बोल सकते हैं आपका क्या, मोनोसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपके अमीनो एसिड होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बॉडी के अंदर, परंतु बात करते हैं 20 अमीनो एसिड की।
क्योंकि ये यूजफुल होते हैं आपके। अमीनो एसिड 20 होते हैं जिसमें से 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल, मतलब कि जो 10 होते हैं उनको क्या होता है शरीर स्वयं नहीं बनाता है, और जो नॉन एसेंशियल 10 होते हैं इनको शरीर स्वयं बनाता है, ध्यान रखना। और क्या होता है जो शरीर स्वयं नहीं बनाता वो हमें मिलते हैं खाने से प्राप्त होंगे, जो हमारे शरीर स्वयं नहीं बना सकता वो खाने से प्राप्त होंगे, और नॉन एसेंशियल जो होते हैं वो खाने मतलब खाने की भी आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये क्या करता है शरीर क्या करता है शरीर स्वयं बना लेता है, इसका मतलब उसको खाने की आवश्यकता नहीं होती जो नॉन एसेंशियल होते हैं 10। और उसके बाद हम बात करते हैं जो 10 एसेंशियल्स होते हैं इसमें शरीर स्वयं नहीं बनाता परंतु इससे मिलते हैं खाने से मिलते हैं, और ध्यान रखने से ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूसीन हो गया, वैलिन, ये होते तो बहुत सारे परंतु मैं तीन के नाम बताए जो इंपोर्टेंट होते हैं। जैसे ल्यूसीन होता है ये क्या करता है बॉडी में एनर्जी देता सबसे ज्यादा, दूसरी बात आइसोल्यूसीन होता है ये क्या करता है शरीर में पावर शक्ति देता है, वो एनर्जी देगा ये शक्ति देगा, और वैलिन जो होता है ये फैट को क्या करता है बर्न, जो हमारे जल मात्रा में फैट हो जाती है उसको बर्न करने का जो वर्क होता है वो किसका होता है आपका वैलिन का होता है, और एक एसेंशियल क्या होता है एक अमीनो एसिड है एसेंशियल, ठीक है 10 होते हैं 10 ये और 10 ये। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रोटीन को शरीर का बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बॉडी बिल्डर, शरीर को प्रोटीन का बॉडी बिल्डर। और दूसरी बात हम करते हैं कि मनुष्य के शरीर का 15% भाग जो होता है 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। ओके स्टूडेंट्स, जो मनुष्य का शरीर होता है वो 15% भाग लगभग कितना होगा, लगभग कह सकते हैं हम इसको, पूरा नहीं कह सकते, लगभग जो होता है 15% भाग होता है प्रोटीन से बना होता है। तो स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद आगे चलते हैं। अब उसके बाद जो हमारे प्रोटीन होते हैं किस किस में कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं इसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है प्रोटीन के पार्ट है जैसे कि थ्रोम्बिन, ये क्या होता है ये सारी जो प्रोटीन्स होती हैं ये आपके ब्लड में पाई जाएगी, किसमें पाई जाएगी ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर, थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिन हो गया, फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, और उसके बाद ग्लोबिन हो गया, ये सारी जो प्रोटीन होगी ये आपका किसमें पाई जाएगी ब्लड के अंदर, उनका सबसे का अलग वर्क होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के छोटे जब कराएंगे तो बताएंगे आपको क्या होता है, और जिस दिन ब्लड करवाएंगे उस दिन तो क्या होता है थ्रोम्बिन का होता है प्रोथ्रोम्बिन का होता है फाइब्रिन का क्या होता है, सारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने वाली क्या है ये आपकी प्रोटीन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितना होता है 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, कितनी होती है 4.5 मतलब 4.5 4.5 किलो कैलोरी होती है 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ह्यूमंस के जो नाखून और बाल होते हैं उनके अंदर क्रिएटिन प्रोटीन होता है, कौन सा जो आपके हेयर्स और नेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा आपका क्रिएटिन प्रोटीन, वो आपके पशु हो सकते हैं आपका जो होमो सेपियंस के अंदर है वो सारा, ठीक है जी। उसके बाद गाजर जो कैरेट होगा उसमें कैरोटीन होता है, कैरोटीन प्रोटीन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हीट जो गेहूं होता है उसमें होता है ग्लूटिन, कौन सा होता है ग्लूटिन नाम का आपका प्रोटीन होता है। उसके बाद हम बात करें अंडे, अंडे में क्या होता है एल्ब्यूमिन होता है, क्या होता है एल्ब्यूमिन जो होता है। उसके बाद दूध मिल्क में हम होता है आपका कैसीन, कौन सा होता है कैसीन, एक दूध हो सकता है आपका हम क्या कह सकते हैं दही भी कह सकते हैं, आपका दूध और दही के अंदर क्या होगा दूध और दही दोनों में क्या होगा आपका कैसीन प्रोटीन होता है। उसके बाद बात करते हैं बकरी का जो दूध होगा कोई नॉर्मल दूध होता है भैंस का गाय का जो है ये कैसीन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बकरी के दूध में होता है ग्लूटेन, कितना क्या होता है ग्लूटेन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मांसपेशियों और मांसपेशी जो मसल्स होती हैं और उसमें होता है मायोसिन एक्टिन, मायोसिन और एक्टिन नाम का प्रोटीन होता है, मायोसिन क्योंकि मैस क्या होता है मसल्स और मैस मायोसिन हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हड्डियां और बोन्स होती है उसमें होता है ओसिन प्रोटीन, कौन सा होता है ओसिन प्रोटीन। उसके बाद हम बात करते हैं लीवर यकृत में आपका हेपेरिन प्रोटीन होता है, कौन सा होता है हेपेरिन नाम का प्रोटीन होता है, और यही वो प्रोटीन होता है जो आपको ब्लड को शरीर के अंदर नहीं जमने देता है, ये आपका लीवर के अंदर होगा। और त्वचा जो स्किन में होता है वो होता है कोलेजन, कौन सा होता है कोलेजन होता है, ध्यान रखना एक और प्रोटीन होता है जो आपका स्किन का जो रंग होता है काला या गोरा जिसको हम बोलते हैं मेलानिन, मेलानिन अलग होता है ध्यान रखना, तो त्वचा स्किन जो होता है कोलेजन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेल जो पुरुष होता है जो पुरुष के 2200 से लेकर 2400 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना एक मतलब कि नॉर्मल जो इंसान होगा प्रतिदिन भोजन के अंदर उसको क्या चाहिए 2200 से लेकर 2400 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। दूसरी बात हम करते हैं फीमेल जो स्त्री होती है हम कह सकते हैं कार्यशील महिला, क्या होता है जी कार्यशील महिला, ठीक है जी कार्यशील जो महिला होगी मतलब क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो स्त्री होती है वो मेल से ज्यादा बात करती है घर का वर्क करती है सारा,
तो ध्यान रखना फीमेल को क्या हो गया 2400 से लेकर 2600, मतलब इसका क्या हो गया इससे ज्यादा हो गया 200 कैलोरी, क्या हो गया इससे ज्यादा हो गया 2400 से 2600 कैलोरी। ध्यान रखना बच्चों प्रोटीन की कमी से होता है क्वासी होता है मरासम रोग हो जाता है, बीमारी या डिसीज है, सूखा पड़े एक प्रकार से कह सकते हैं, शरीर में सूखा पड़ जाता है, कहते हैं कि भाई कुछ खा ले कुछ प्रोटीन ले ले शरीर को बॉडी को बिल्डअप कर ले, ठीक है ध्यान रखना। और बॉडी को बिल्डअप करने के लिए जो मसल्स बनाने के लिए भी आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं जो बॉयज और गर्ल्स फीमेल दोनों होते हैं ये क्या करते हैं आपका प्रोटीन लाते हैं, प्रोटीन जो होता है तो ध्यान रखना वही क्या होता है शरीर को बॉडी बिल्डअप करता है। ध्यान रखना ट्रांसपोर्ट या प्रोटीन पे या प्रोटीन जो होते हैं यातायात जो आपका लांग ले जाना जो करते हैं ध्यान रखना वो क्या होते हैं आपको हीमोग्लोबिन ये भी रक्त के अंदर पाया जाएगा, लाइको प्रोटीन ये भी। ध्यान रखना जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है ऑक्सीजन का लाना ले जाना ब्लड के अंदर, और लाइको प्रोटीन होता है ये वसा को फैट का क्या होता है उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है लीवर ट्रांसफर करता है जिसमें आपके जो शरीर बॉडी के पार्ट होते हैं लाइको प्रोटीन जो होता है। उसके बाद प्रतिरक्षी जिसको हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी पावर जो होता है प्रतिरक्षी जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को हम बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के अंदर आएगा ये जो लिम्फोसाइट होता है। और फाउंडर फाइब्रोजन ध्यान रखना फाइब्रोजन जो प्रोटीन होता है ये रक्त के अंदर होता है, रक्त का थक्का जमने में जो सहायक होता है यही प्रोटीन होता है। लिम्फोसाइट भी क्या होता है ये प्रतिरक्षी है मतलब कि आपके रोगों से लड़ने में सहायक देता है, ध्यान रखना एक प्रकार से शरीर का इसको हम बॉडी गार्ड कह सकते हैं, प्रोटीन शरीर का बॉडी बिल्डर है और डब्ल्यूबीसी को हम क्या कह सकते हैं जो आपका ये क्या कह सकते हैं शरीर का बॉडी गार्ड। उसके बाद हम करते हैं संरचनात्मक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन होते हैं शरीर का जो निर्माण करते हैं वो होते हैं कोलेजन और क्रिएटिन, क्रिएटिन प्रोटीन देखो नाखून में मैंने बताया था आपको जो नाखून लिखवाया था क्रिएटिन प्रोटीन या नाखून और बाल शरीर किसी भी शरीर में होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाएगा वो रुबस्को प्रोटीन उपस्थित होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक प्रोटीन की सारी क्लास कंप्लीट होती है और उसके बाद हम एक नई वीडियो लेकर आते हैं। तो जय हिंद जय भारत धन्यवाद।